हम कहाँ पे खड़े हैं जनाब, बताएंगे इस टाइम? हम इस वक्त बबून टॉप पे खड़े हैं जी। ये सबसे बबून टॉप का हाईएस्ट पॉइंट है। और वो भी सीन दिखा दो यार। क्या कुछ है नाश्ते में? आप एंजॉय करें, हमारे दोनों साइडों पे है सूरज मुखिया। हाँ जी, तो बबून टॉप के लिए जी हम निकल रहे, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ये, और कश्मीर का टफ एंड तरीन रोड है ऑफ रोडिंग, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बाइकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इस ट्रैक ने ना जो कह सकते हैं परेशानी पैदा की हुई है। सर ही वो रास्ते से कुछ बेचारे वापस आ जाते हैं और कुछ गिर के चोटें लगती हैं, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी हैं। तो आज हम इंशाल्लाह बबून टॉप का जो है ना ट्रैवल करेंगे। कुंडलशाही वाटरफॉल से जी हम थोड़ा सा भी सफ़र हमने किया है, तो रास्ता तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त है, लेकिन गाड़ी की ना जान निकाल रहा है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है कि पंजाबी जी कहते हैं ना बंदा साह बंद हो गया है, साह बंद हो गया चढ़ाई है। गाड़ी जो है बिल्कुल पूरा जोर लगा के जो चढ़ाई चढ़ रही है, बाइक्स वाले नहीं, गर्म नहीं हो रही है, चढ़ाई बहुत ज्यादा, गाड़ी का जोर बता रहा है, गाड़ी का चेहरा शरीफ देखो कहाँ उठा खड़ी है सामान की तरफ। अच्छा, ये बता रहा है कि गाड़ी चढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो कमजोर गाड़ी है भाई, छोटी भी हो, 4x4 भी हो, तो इधर ध्यान से लेके आए, क्योंकि हीट अप होने का चांस है गाड़ी का यहाँ पे, जैसा ये रोड है। लगता है कि हम पहुंच चुके हैं जागरान। जागरान जो है जी मेरे ख्याल में ये छोटा सा विलेज है, और इस विलेज से आगे जो है ना आप जो मेरा एक छोटी सी याददाश्त है कि आगे ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। खूबसूरत है, अखरोट बहुत लगे, अखरोट बहुत है, और उतार भी रहे थे पता पीछे भाई। हाँ जी, मैंने एक खाया था, है तो मज़े का था, लेकिन थोड़ा सा मुझे कच्चा कच्चा लग रहा था, नहीं कच्चा था ना, इस वजह से कच्चा कर रहा था। ये जी आगे एक छोटा सा डैम टाइप भी बन रहा है जागरा में, और यहाँ पे ये ये है जी कोई डैम छोटा सा रास्ता दे चुमको। लो जी जागरा से निकले हैं, तो आगे जनाब कच्चा रोड जो है ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। इससे पीछे था कारपेट, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी जो गाड़ियों को हीट अप करने के लिए होती है। हालांकि इससे कच्चे रास्ते पे कम गाड़ी हीट अप होने का चांस होता है, लेकिन वहाँ पे एक कंटिन्यूसली गाड़ी के ऊपर दबाव होता है चढ़ाई का बहुत ज़्यादा, जिस वजह से गाड़ी हीट अप होने का चांस बन जाता है। ये ऑफ रोडिंग अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक चलती है और कैसी है, आपके साथ साथ शेयर करेंगे। जागरा क्रॉस करने के बाद जो डैम आया था उसके साथ थोड़ा कच्चा ट्रैक आया था, वो लाइट स्लाइडिंग की वजह से था शायद। आगे जो है फिर कारपेटेड रोड जो है स्टार्ट हो गई है। ये हैं जी छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग जो मैं अक्सर बाइक्स वालों को देखता हूँ उनके लिए, वैसे लकड़ी के साथ छोटे छोटे ब्रिज भी बने हुए हैं, और लेकिन है ये बड़ी जो है ना क्या कहते हैं ऑफ रोडिंग में काफ़ी हाइट ऊपर नीचे चढ़ाइयाँ और पानी में पत्थर हैं, जाहिर है बाइक वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है, और एक तो उनके शूज़ों में पानी चला जाता है, और ऊपर से मौसम ठंडा होने की वजह से सर्दी भी लगने का खतरा फिर हो जाता है उनको। और अभी ये देखना ये चढ़ाई है, अभी जनाब पूरी जो है ऑफ रोडिंग जो है ना वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है हमारे बाइकर जो है ना माशाल्लाह जी वो चढ़ते तो हैं, लेकिन उनको जो है ना अक्सर गिरते हैं, और या कह लें कुछ ड्रिल छोड़ जाने वाले भी होते हैं। ये पहली चढ़ाई है, और चेहरा आसमान की तरफ हो चुका है गाड़ी का। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों,
जितना कह लो कि झूठ बोला जाए। ये देखिए आपके सामने 4x4 में जो गाड़ी डाल दी है हमने लो में, लेकिन वेरी डेंजरस। चढ़ी गई है, रास्ता खराब था। वो जनाब मेरी मिसेज साहिबा वीडियो बनाने के लिए नीचे उतरी थी और मैं गाड़ी आगे ले आया। ये मुझे जगह जगह कह रही थी ट्रैकिंग नहीं है कहीं, ट्रैकिंग नहीं है कभी। तो मैंने कहा चलो एक तो साथ में गाड़ी का सीन ले लीजिए और साथ इसको ट्रैकिंग भी करवा दी। आ जा हूँ आप, कहते ट्रैकिंग कितने आई नहीं कि ट्रैकिंग तो लड़ी जानी है, है? कहीं नहीं होंगी। आ जा टोर के आ हूँ, उधर से चल के ये आएगी। तो इधर जनाब ये हमारी गाड़ी, तो जाना हमने कहाँ है बबू टॉप, किधर है पता नहीं किधर है। दोस्तों जीप ट्रैक तो वैसे है टफ ही है, लेकिन ये कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। सूरजमुखी के जो फूल हैं इन्होंने चार चांद लगाए हुए रास्ते को, वेलकम कर रहे हैं कि बबून वैली में आपको वेलकम कहते हैं। और जो कश्मीर के घर है ना यार, ये लकड़ी के एक ये भी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये 12 माह हर तरह के जो सीज़न को है वो कह सकते हैं बर्दाश्त करते हैं, खासकर जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा जब स्नो होती है तो तब भी इसमें टेम्परेचर वगैरह भी कंट्रोल रहता है। मे बी कोई लकड़ी की हो गई नेचुरल ब्यूटी की जो थ्योरी है। तो अभी आप एंजॉय करें, हमारे दोनों साइडों पे है सूरजमुखिया, बहुत ही खूबसूरत सूरजमुखी। फूल नहीं है, फूल हैं बहुत ज़्यादा। और साथ में जी मकई कह सकते हैं या इसको क्या कहते हैं आप, छलियां लगी हुई हैं, छलियां जो हम खाते हैं दोनों तरफ। दोस्तों जागरा को हमने छोड़ दिया है पीछे, तो ये सीन बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, छोटा सा विलेज का। अभी हम बबून की तरफ रवा दवा है, मेरे ख्याल में मेन आबादी यही है, लास्ट इसमें से ही गुजर के आया हूँ मैं। ये रास्ता जहाँ पर मैं पहले बता रहा था कि सूरजमुखी दोनों तरफ है, और हमारे जो है साथ में था मकई की जो छलियाँ थी उनके पौधे थे। और ये बहुत ही खूबसूरत एक कश्मीर, तो खैर बाकी सारा ही खूबसूरत है, लेकिन ये कि इस गांव का थोड़ा खूबसूरती थी। ये सारा पीछे जागरा का इलाका है जो हमने छोड़ दिया है। और अभी जो हम जा रहे हैं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, हम जा रहे हैं इस तरफ, इस तरफ से हम ट्रैवल करेंगे आगे बबून की तरफ। चल ये जी बांदर साहिब, यहाँ से जो फूल तोड़ के ना पौधों के ऊपर लगे हैं वो खा रहा है बेचारा। ये क्या है? वो बैठा है, वो पत्थर का, वो चला गया भाग के। ये जो फूल लगे ना पौधों पे यही तोड़ के खा रहा था वो। मैं तीना पवा ली भाइयो, बाइक वालों की हिम्मत को मेरा सलाम, और जो लेके आते हैं यार उनको मेरा सलूट है दिल से। कि ये चार टायरों वाली जो है, ये जो है ना कह लें इस पर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है बबून टॉप। तो ये क्या आपको कैसे आपको मैं बता सकता हूँ कि 4x4 में टायर स्लिप कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे फिर उनका एक टायर दो लगाता है और दो होते हैं पाँव उनके साथ, फ्रंट वाला तो चलो लाइन ही सीधी करता है ना। चलो मजो गाँव हो जाओ साइड से, एक तो राज महारानियाँ बैठियां ने चौपड़ियाँ मार के। वो है जी विलेज जागरा, वहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था और अभी हम पहुँचने वाले हैं बबून टॉप पे। लेकिन ये वो ट्रैक है जहाँ से हम होके आए, मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ जिग जैग होते हुए। तो अभी हमने ड्रोन उड़ाया था, आप साथ में ड्रोन शॉट्स देखें। और मैं थोड़ा सा रास्ते का बता देता हूँ कि बबून टॉप के लिए दो रास्ते हैं, एक जो है नगदर नाला से निकलता है और एक निकलता है कुंडल शाही वाटरफॉल से। तो मैं जा रहा हूँ कुंडल शाही वाटरफॉल वाले रास्ते से, ये थोड़ा आसान है और जीप के लिए ईजी है।
जो है नगदर नाला वाला, वो इससे टफ है ज़्यादा, वो ख़तरनाक है और उसमें चढ़ाइयाँ और मोड़ जो है ज़्यादा डेंजरस हैं। तो अगर आप कश्मीर के ट्रिप हैं, अगर आपके पास अपनी 4x4 नहीं है, तो आपको कुंडल शाही से आसानी जीप मिल जाएगी, जो आपको बबूम टॉप और आगे आप जबरी मेडोज़ की भी बात कर लें, और एक और जगह आई थी, मेरे माइंड से नेम निकल गया, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो है चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, ये जनाब कुंडल शाही से बबून टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो आगे सफ़र जारी है, वीडियो देखें, इंशाल्लाह मज़ा आए। बाइक्स के लिए जो टफ एंड जो है ना कह सकते हैं ख़तरनाक रोड, वो बबून टॉप है। तो अगर कोई जीप है, कोई ऑफ रोडिंग का शौकीन है शहजादा, तो वो 4x4 के भी उसके लिए भी मददगार है, अगर हाँ शर्त मौसम अच्छा हो। आखिरकार तकरीबन 2 घंटे की ऑफ रोड ड्राइव करने के बाद, 4x4 लो में सारा सफ़र करने के बाद जी पहुंच चुके हैं हम बबून टॉप पे जी। बिल्कुल ये हमारे सामने आ गया जी बबून टॉप। ये है जी टॉप, जहाँ पे कह सकते हैं कि एक जगह ऐसी आती है कि यहाँ पे दोनों साइडों पे एक पत्थर से हैं और बीच में से रास्ता है, और इसके बिल्कुल सामने जी आपके बबून टॉप का जो नज़ारा है ना, एक जो सामने वाला है, ओ ज़बरदस्त नज़र आ गया। ये देखें वो कैंप लगे हुए हैं जी, टेंट विलेज है वो, और ज़बरदस्त नज़ारा है। और एक छोटा सा सीन है, ये देखें, ये है जी टेंट विलेज, यहाँ पे जाते हैं अभी थोड़ी देर में, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो बाहर का सीन लेते हैं, और यहाँ से एक ड्रोन शॉट भी ले लेते हैं, ताकि हम किधर से आए और किधर जो आगे नज़ारा है ड्रोन के साथ आपको दिखाते हैं। कह सकते हैं एक एडवेंचरस जो है ना ऑफ रोड था, तो ये तकरीबन 2 घंटे लगे हैं हमें नीचे जागरा से यहाँ तक आने में। तो आज मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बेगम साहबा बोलेंगे। हम कहाँ पे खड़े हैं जनाब, बताएंगे इस टाइम? हम इस वक्त बबून टॉप पे खड़े हैं। ये सबसे बबून टॉप का हाईएस्ट पॉइंट है, और इस तरफ से हम आए हैं, ये जागरा वाली साइड है, और अभी हम जब जाएंगे तो हम जाएंगे इस तरफ जनाब, ये वाली है वो साइड जो आगे जाएगी नगदर नाला, और हम पतलियां लेक जाएंगे आगे इंशाल्लाह इसी तरफ, ये द्वारियां की तरफ नीचे उतरेगा रास्ता जाके। तो बबून टॉप का मुझे ये बहुत पसंद है कि जो है ना पॉइंट है, प्लस पॉइंट कह सकते हैं, कि एक तरफ से हम आएंगे और दूसरी तरफ एडवेंचर करते हुए नीचे जाएंगे। इसके रास्ते में एक जबरी मेडोज आएगा और एक और जगह आएगी, उसका भी इंशाल्लाह रास्ते में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अभी आगे, सफ़र करते हैं। गाड़ी हमारी जो है मिट्टी हो चुकी है, तो मैडम साहब आप क्या कहेंगी अब चले? नाश्ता करवाएंगे आज? यस सर। क्या है नाश्ते में? ब्रेड, अंडा, चाय, बादाम, ओए खंजूरे। सवेर का भूखा है वीरो, 11 बज गए हैं। और कुछ चाहिए तो बरा है। अब नाश्ता करते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं, और ड्रोन शॉट लेते हैं अपने जनाब, वहाँ से जाके टेंट विलेज चलते हैं। वो जी टेंट विलेज आगे किधर गया वो है, तो वहाँ पे रात ठहरने के लिए भी सारा निज़ाम है।
पहुंचने वाले हैं बबून टॉप पे जो टेंट विलेज है। उसके बाद जो बबून टॉप का हाइस्ट पॉइंट था वो तो पीछे है, अगर हम जागरण वाली साइड से हैं तो पहले वो आता है, और उसके बाद जो ये मेडोज हैं और ग्लेशियर्स का सीन है उसके साथ ये जो है ना फिर आ जाता है टेंट विलेज जो बबून टॉप पे बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ खाते पीते हैं, अभी हमने नाश्ता करना है। ये ले जी, वेलकम टू बबून टॉप। वाह ज़बरदस्त नज़ारा है जी। किचन सेटअप जो है जी हमारा लग चुका है, मैं क्या बन रहा है, चूल्हा जल रहा है। राणा साहब क्या करी जा रहे हैं आप? मैं अपना अंडा खुद बना रहा हूँ। क्यों मेरा बनाया तो पसंद नहीं आता है? ऐसी बात नहीं है, जो अपने हाथ से काम करके मेहनत करके जो मजा है ना, ये अंडा आ गया। थोड़ा सा चूल्हा तेज ना कर लो। हाँ जी, मशरूम आपका ही लगेगा। मैं आप तो बहुत ज़्यादा ऑयल पाया जी। वो थोड़ा सा डाला मैंने ऑयल, अंडे का छिलका कहाँ है। अच्छा फिर आना इन्ने चस्के आए हैं, हमें कुछ खाना पीने का चाहिए। बबून टॉप पे दोस्तों नाश्ता हो चुका है हमारा तैयार, और ये आपको दिखाते हैं। हाँ जी, क्या कुछ है नाश्ते में चेक कर लें आप जी। ये देख सकते हैं जी, अंडा, नगेट्स, जैम, चाय। दोस्तों नाश्ता अब रेडी है, तो मेरे मुंह में आ रहा है पानी, तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है ना आपसे फिर गपशप लगाते हैं बबून टॉप की और मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक गाड़ी भी गिर गई है। हाँ, वो भी पता चला है कि वहाँ पे एक गाड़ी जो है ना वो उलट गई है। अल्लाह खैर करे किसी को कोई चोट ना लगी हो और सब ठीक ठाक हों, तो वो भी आते हैं पता करते हैं सब खैरियत से हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये जी शहजादे पहुंच चुके हैं, बच्चे टीम स्कूल की। ये मुझे मिली थी कुंडल शाही वाटरफॉल पे, और ये नारे लगाते हुए आ रहे हैं बबून टॉप पे, और इनकी एक गाड़ी भी उलट के आई है, ये रेड वाली। हाँ, वो उसकी बेचारे की लाइट वगैरह राइट साइड से टूटी हुई है गाड़ी, लेकिन बचत हो गई है जी, अल्लाह पाक ने सबको महफूज रख लिया। क्या हुआ? बच्चे तो गए बच्चों के ना, बच्चे सारे ठीक ठाक थे? चलिए जी, वो ड्रोन शॉट लेना था तो मैंने कहा बच्चियां हैं तो पूछ लेते हैं ना, इजाज़त ले लेते हैं सर से, टीचर से उनके, तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप ले सकते हैं। ठीक अगर आप कश्मीर में नीलम वैली का विज़िट करने आ रहे हैं, नीलम वैली का टूर का प्लान है, तो उसमें बबून टॉप ज़रूर शामिल करें। ये साल में चंद ही माह खुलता है लेकिन, और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है आज़ाद कश्मीर नीलम वैली के अंदर जो है। यहाँ पे जीप दरकार है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कुंडल शाही वाटरफॉल से इजीली आपको मिल जाएगी।
जी तो दोस्तों बबू टॉप से हो रही है वापसी और इंशाल्लाह जी निकलते हैं वापस, तो देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। अच्छा इसार बाय बाय अल्लाह हाफिज। अभी निकल रहे हैं हम वापस, तो बारिश वाला माहौल बन रहा है, अभी इधर थोड़ी बारिश भी शुरू हो रही है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। बबून टॉप की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा अपनी राय, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो यहीं से फिर बबून टॉप से सफर स्टार्ट होगा, तो तब तक के लिए हमें दें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।